कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं भूपेश आनंद आया आपके सामने ऑडिटिंग का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑडिटिंग के ऊपर जरूर देखा होगा। बेटे आज हम चैप्टर वन, बेटे वो जो चैप्टर था वो तो इंट्रोडक्शन थी, आज हम ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, जो हमारा 30 मार्क्स का पेपर है, इसको थोड़ा सा आज हम शुरू करेंगे। तो बेटे ये जो ऑडिटिंग 30 मार्क्स का पेपर है, इसमें जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि तीन क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से दो करने होते हैं, पहला कंपलसरी होता है, फिफ्थ सिक्स्थ और सिक्स्थ ए में चॉइस होती है, ठीक है जी। तो दोस्तों ऑडिटिंग हमारे इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में 5-6 चैप्टर्स दिए हुए हैं, बट मैंने अपनी बुक में इसके 10 चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, 10 चैप्टर्स में बाइफर्केट किए छोटे छोटे चैप्टर्स में। जैसे मैं एक बार आपको बताऊं, ये बेटे ये मैंने 10 चैप्टर बनाए हैं ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस में। जैसे पहला चैप्टर आज मैं शुरू कर रहा हूं, उसका नाम है ऑडिटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ऑडिटिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, वो देखेंगे। तो बेटे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग बनाया, दूसरा चैप्टर चेक करिए कंपनी ऑडिट, तीसरा ऑडिट स्टैंडर्ड्स, फोर्थ इंटरनल कंट्रोल, फिफ्थ रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सिक्स्थ इंटरनल ऑडिट, सेवंथ बेटे ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, एट्थ है बेटा ऑडिट इन डेप्थ, वाउचिंग वेरिफिकेशन, नाइन्थ है ऑडिट टेस्टिंग, सैम्पलिंग, टेस्ट चेकिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, और टेंथ है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो बेटे हमारे इंस्टीट्यूट ने इसको 5-6 स्टडीज में डाला है, 5-6 चैप्टर्स में, मैंने इसके 10 चैप्टर बनाए हैं, क्योंकि लॉजिक तभी क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट्स तभी क्लियर होंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने हर चैप्टर के आगे लिखा है नंबर ऑफ चार्ट्स, बेटे चार्ट्स में बहुत ध्यान दिया है, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो जैसे पहला चैप्टर है, जैसे आज हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर, इसमें बेटा 10 कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं मैंने 10 कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं। तो इसका मतलब मैं इस चैप्टर में 10 बातों की चर्चा करूंगा, उसके बाद उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा, और फिर बताऊंगा कि मैंने नोट्स में क्या लिखा हुआ है। तो बेटे हमारी जो टेक्निक रहेगी ऑडिटिंग करने की, सुनिए, ऑडिटिंग करने की जो टेक्निक रहेगी बेटे, उस टेक्निक में मैं पहले हर चैप्टर को कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर रखा है बेटे, फिर बेटे हर कॉन्सेप्ट में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो लिखा है बेटे, और फिर उस क्वेश्चन का आंसर भी लिखा है बेटे। लेकिन हम सीधा क्वेश्चन आंसर में नहीं आएंगे, हम पहले चर्चा करेंगे कि भाई ये कॉन्सेप्ट है क्या, आया क्यों, इसके लॉजिक क्या है, उसके बाद हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की जब चर्चा कर लेंगे तो बेटे हम उस क्वेश्चन और आंसर में आएंगे, और फिर हम उसको याद भी करेंगे। जैसे आप देखिए मैंने पहला क्वेश्चन मेंशन किया, पहला कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं, तो मैं सीधा क्वेश्चन में नहीं आ रहा, व्हाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि आंसर लिख दिया है। मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में भी सीधा नहीं आ रहा, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका भी आंसर लिख दिया है, और इसका क्वेश्चन क्या है, डिफाइन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, चर्चा, फ्लो चार्ट बेटे, उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि 25 में से, मतलब 30 में से बेटे 20-25 नंबर तो 101% आए ही हुए हैं। आपको कुछ भी रटना नहीं है, मैं जो जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको ध्यान से सुनना है, लॉजिक समझना है, आंसर देना है, और फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। बेटे मैं आपके सामने तब एक छोटी सी बात रख रहा हूं, आपने मुझे बताना है
बेटे एक तो था पहले वाला जमाना, पहले अच्छा मैं पहले कंसेप्ट नंबर बेटे वन से शुरू कर रहा हूं। कंसेप्ट वन अगर आप अपनी बुक से देखें बेटे, उम्मीद है आपके पास बुक होगी बेटे, बुक होगी तो बुक में पहला 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 कंसेप्ट देखें तो बेटे पहला कंसेप्ट है व्हाट इज नीड। पेपर में बेटे क्वेश्चंस आए हुए, मैंने उनको कंसेप्ट में डिवाइड किया, स्टडी मटेरियल देखा, फिर क्वेश्चंस में डिवाइड किया, फिर आंसर्स लिखे। अब चर्चा कर रहा हूं बेटे, बादाम रोगन दे रहा हूं। तो नीड रिक्वायरमेंट, व्हाट इज अ नीड स्लैश रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहला कंसेप्ट मैंने जो लिखा बेटे वो ये लिखा, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्यों बनाते हैं, क्यों क्यों बनाते हैं, क्या क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्यों बनाते हैं बेटे। दूसरा कंसेप्ट जो मैंने लिखा अपने नोटबुक्स में, अपने अपनी किताब में जो आपके पास है, हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन होते हैं, कौन है। और बेटे कंसेप्ट थ्री, कंसेप्ट थ्री बेटे मैंने लिखा मीनिंग। बेटे बस यहीं से शुरू हुई, मीनिंग और इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग, और मैं कहूं नीड ऑफ ऑडिटिंग। तो बेटे पहली चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा, दूसरी चीज यूजर्स के बारे में बताऊंगा, तीसरी चीज ऑडिटिंग की नीड कहां से हुई, और बेटे फिर कंसेप्ट नंबर फोर अगर आप देखें तो बेटे ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटिंग के, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है। तो बेटे कंसेप्ट नंबर पांच, बेटे कंसेप्ट नंबर पांच स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट और बेटे वॉलंटरी ऑडिट में क्या अंतर है, इनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो बेटे आज के इस लेक्चर में मैंने 10 कंसेप्ट लिखे, लेकिन मैं 5 कंसेप्ट्स आज कंप्लीट करूंगा। इसका मतलब चैप्टर वन आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे। इस चैप्टर का नाम मैं रख रहा हूं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग एंड ऑडिट टर्म्स यूज्ड। और बेटे पेपर में 30 में से 5 से 8 नंबर का बेटे इस कंसेप्ट 1 से लेकर 10 में से जरूर आएगा। जो मैंने कंसेप्ट आपके सामने लिखे 1 से 10 तक जरूर आएगा। तो बेटे मैं इसके लगभग इस चैप्टर में 2 लेक्चर्स लेने वाला हूं। मैं भूपेश आनंद इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स लेने वाला हूं, और मैं कोई भी लेक्चर लूंगा तो बेटे मैं पहले बताऊंगा कि मैं ये कंसेप्ट 5 कवर करने वाला हूं, फिर चर्चा करेंगे। चर्चा में आपने पार्टिसिपेट करना है, भले आप मुझे डायरेक्टली नहीं बता पा रहे, लेकिन आप दूर बैठे हैं, आप कमर सीधी करके बैठे हैं बेटे, टेबल में बैठे हैं बेटे, चेयर में बैठे हैं बेटे, आप लेट के नहीं पढ़ रहे, और बेटे आप सोचेंगे चर्चा करेंगे और फिर सोचेंगे, और फिर धीरे धीरे हम किसी परिणाम पे पहुंचेंगे बेटे, फिर धीरे धीरे हम किसी परिणाम में पहुंच जाएंगे। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना बेटे। तो आइए बेटे, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये रखता हूं कि बेटे एक गुजरा हुआ जमाना था, एक था बेटे गुजरा हुआ जमाना, याद आ रहा है मुझको बेटे पुराना जमाना। बेटे बेटे आप बताओ पुराना जमाना कौन सा बेटे। आज से 100-150 साल पहले की बात कर रहे हैं, मैं बेटे सतयुग की बात नहीं कर रहा, मैं द्वापर युग की बात नहीं कर रहा, मैं त्रेता युग की बात भी नहीं कर रहा,
मैं बेटे कलयुग भी 100 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, जबकि कलयुग स्टार्ट हुए तो बहुत साल हो गए। तो बेटे पुराने जमाने में मेन मेन बिजनेस, मेन एक्टिविटी क्या होती थी हम सब लोगों की, आपको मालूम है, जब फिरंगी आए हमारे देश में तो उस जमाने में मेन एक्टिविटी क्या होती थी बेटे? एग्रीकल्चर इज द मेन एक्टिविटी। याद कीजिए बेटे, छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे लेकिन बेटे स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस। बेटे मुझे ऐसा लगता है कि आज भी इंडिया की अगर जीडीपी चेक करें तो बेटे प्राइमरी सेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर। तो बेटे मेन जीविका का साधन क्या होता था लोगों का? बेटे खेती बाड़ी करते थे। अच्छा बेटे खेती बाड़ी करते कैसे थे? बेटे घर के जो सदस्य होते थे वो ही लग जाते थे खेती बाड़ी में, माता पिता भाई बहन दीदी सब बेटे उस छोटे से खेती बाड़ी के बिजनेस में लग जाते थे बेटे, उसी में जिंदगी गुजार देते थे, अगली जनरेशन भी उसी काम में लग जाती थी। बीज डालते थे, खाद डालते थे, पानी डालते थे, सरसों उगती थी, बेचते थे, फिर उसी जमाने में काम करते थे बेटे। पैसा भी अपना ही लगा हुआ था, पैसा अपना ही लगा हुआ था, लोगों से उधार नहीं लेते थे और फैमिली मेंबर्स ही काम करते थे, फैमिली मेंबर्स ही मिलकर काम करते थे। ऐसा नहीं कि कहीं से बाहर वालों से भी काम करें, छोटा सा बिजनेस होता था लोगों का। ये देखिए आपके सामने एक स्लाइड है बेटे आपके सामने खेती बाड़ी हो रही है। वो जो पीछे जो वो एंटीना लगा है उसको मत देखिए, वो तो आजकल के जमाने की बात बताऊंगा बेटे। पहले जमाने में लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, एग्रीकल्चर का मेन बिजनेस होता था, बिजनेस भी घर के मेंबर्स ही करते थे, तो घर वाले ही काम करते थे, घर वाले ही पैसा लगाते थे। तो बेटे कोई जरूरत पड़ती नहीं थी किस चीज की कुछ इसके बारे में प्रॉफिट और लॉस निकालने की। बेटे प्रॉफिट और लॉस निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते थे उस जमाने में? रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना लेते थे कि बेटे पैसे कहां से रिसीव करेंगे, कहां से रिसीव करने हैं और बेटे पैसे किसको देने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा होता क्या था बेटे? लोग एक कैशबुक बना लेते थे बेटे, आजकल हमने इसका नाम कैश बुक डाल दिया, लेकिन पहले जमाने में रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता था कि भाई पैसे कहां से आए और पैसे कहां चले गए। बस बेटे चैप्टर क्लोज, कोई प्रॉफिट नहीं निकालना, कोई लॉस नहीं निकालना, कोई अकाउंट्स नहीं बनाने, कोई प्रेजेंटेशन नहीं करनी और बेटे पूछने वाला भी कोई नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे बेटे जमाना बदलने लग गया, एग्रीकल्चर एक बिजनेस आज भी मेन माना गया, लेकिन बेटे मॉडर्न इकोनॉमी आ गई बेटे। मॉडर्न इकोनॉमी स्पेशली हमारे देश में बेटे 1947 के बाद और स्पेशली 1991 सीरीज से अगर आप ईयर देखें तो बेटे मॉडर्न इकोनॉमी आ गई बेटे। इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन बेटे, इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन बेटे, लिबरलाइजेशन बेटे, इसको बोलते हैं डीरेगुलेशन बेटे। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे मेरी इंडिया बदल सी गई बेटे पिछले 25, 30, 40 सालों में। कैसे बदल गई बेटे? हमने कंपनी बनानी शुरू कर दी बेटे। मान लेते हैं एक कंपनी है बेटे। कंपनीज एक्ट 2013 आ गया बेटे, इसने कहा दिस इज आर्टिफिशियल पर्सन बेटे। जब ये आर्टिफिशियल पर्सन बना या LLP की बात करें तो बेटे इन लोगों ने शेयर होल्डर से पैसे मांगने शुरू कर दिए बेटे। इसको बोल दिया हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो बेटे यहीं पर कुछ लोगों से इन्होंने पैसे उधार ले लिए बेटे, इसको बोला इन्होंने डिबेंचर होल्डर्स।
बेटे बैंक से लोन ले लिया तो बैंक से फाइनेंस हुआ, बेटे शेयर होल्डर्स ने पैसे दिए, बेटे ओनर्स मैनेजमेंट आ गई, बेटे इंप्लॉइज आ गए, बेटे इतने सारे लोग आ गए और इन सबका स्टेक लग गया। बेटे मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई, अब फैमिली बिजनेस नहीं रहा, अब आपने इस बिजनेस को ओपन कर दिया सबके लिए, आपने उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू किए, आपने लोगों से उधार लिया, आपने बैंकर्स में अकाउंट देखा, आपने इशू निकाला, स्टॉक एक्सचेंज आ गई, सेबी आ गई, एमसी आ गया, बेटे इतना कुछ आ गया। तो बेटे अब आप ये बताइए, जब इतना कुछ आ गया तो 12 महीने में आपने क्या किया, पैसे कहां से लिए, कहां दिए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, कैश फ्लो कहां से आया, नोट्स टू अकाउंट्स। बेटे जैसे एक बच्चे की 12 महीने के बाद रिपोर्ट कार्ड बनती है, बेटे बिल्कुल उसी तरह से नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरी एंटिटी शुड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटे आप देख रहे हैं कहां से कहां तक पहुंचा। मैंने कहा पुराने जमाने में ये सिस्टम नहीं था, एग्रीकल्चर था, मेन बिजनेस कुछ अलग था, लोग सीमित थे, फैमिली के लोग ही करते थे, बाहर से पैसा नहीं लेते थे, वहीं पे काम कर देते थे, तो बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मॉडर्न इकोनॉमी आ गई, बेटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, बेटे बैंकर्स आ गए, बेटे शेयर होल्डर्स आ गए, बेटे 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 स्टॉक एक्सचेंज आ गई, बेटे एमसी आ गई, बेटे पब्लिक इश्यूज आ गई, बेटे डिबेंचर होल्डर आ गए, अब बिजनेस वास्ट बन गया। बेटे हिंदुस्तान लिवर, एसीसी सीमेंट, डॉक्टर रेडी, इंफोसिस, टीसीएस, आप सबने इन कंपनीज के नाम जरूर सुने होंगे। बेटे ये कंपनीज आजकल मॉडर्न जमाने की कंपनीज है, सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बेटे 30 कंपनियां जिसको हम कहते हैं सेंसेक्स 30 कंपनीज, बेटे 30 कंपनियां हमारे देश में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहली 30 कंपनियों को मॉनिटर बना दिया गया। अब क्या करना है बेटे, इसलिए इन सभी की को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना अनिवार्य हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना कंपल्सरी हो गया, या ऐसा समझ लीजिए कि इसकी जरूरत आन पड़ी। तो बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बेसिकली 4-5 चीजें बनाते हैं। जैसे मैं कहूं भाई Schedule 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बेटे हम क्या करते हैं, एक तो बेटे बैलेंस शीट बनाते हैं। बेटे बैलेंस शीट इज द फॉर्म, इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटे एक हम Schedule 3 के हिसाब से बेटे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बननी शुरू हो गई। बेटे एक बन रहा है बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो, पैसे कहां से फ्लो हो रहे हैं, कहां गए, कहां आ गए, और बेटे नोट्स टू अकाउंट्स। बेटे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो बेटे ये सब चीजों की मांग बढ़ गई, कंपल्सरी हो गया आरएफसी में, कंपल्सरी हो गया लोगों को देने के लिए, कंपल्सरी हो गया एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जन्म हुआ। और बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जन्म में मैं जैसे बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में हम ये कहना चाहते हैं कि भाई एक वर्ष के बाद हमारी बुक्स में कितने एसेट्स हैं, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी देनदारी है और कितने पैसे लेने हैं। बेटे बैलेंस शीट तो आप 11th क्लास से देखते आ रहे हैं। हाँ वो बात अलग है, शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज कर दिया।
अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहला है शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। आपको याद है बेटे शेयर होल्डर फंड पहली चीज होती है, याद है? दूसरा, दूसरा क्या बेटे बोलो? बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग ढंग से बना रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी अलग लिख रहे हैं, बैलेंस शीट अलग ढंग से बना रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज अलग लिख रहे हैं, करंट लायबिलिटीज अलग लिख रहे हैं। और बेटे एसेट साइड में दो आइटम्स आती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। बेटे ये सब आपने मेरी फाइनल अकाउंट्स की क्लास जरूर की होगी, उसमें सब बताया हुआ है। तो बेटे बैलेंस शीट के साथ साथ अब हम दूसरी स्टेटमेंट और भी क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो बेटे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बताती है, क्या बताती है इस वर्ष हमने कितना प्रॉफिट और लॉस कमाया, क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया। बेटे क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें ये बताती है शेड्यूल थ्री के हिसाब से। बेटे 16 आइटम्स है बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लास में देखो आप। बेटे लास्ट आइटम है ईपीएस। बेटे ईपीएस दो तरह की होती है बेटे, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। बेटे स्टार्ट होता है सेल से, बेटे सेकंड आइटम है अदर इनकम, बेटे थर्ड है टोटल, बेटे फोर्थ है एक्सपेंसेस, बेटे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेटे ये सारी बातें मैंने बताई हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ऑडिटिंग की क्लास चल रही है। बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तीसरी चीज बनानी कंपल्सरी हो गई, और बेटे उसका क्या नाम रखा गया, क्या रखा गया बेटे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बेटे कैश फ्लो को बनाने के दो तरीके, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, याद है बेटे? वो बेटे कैश फ्लो में तीन एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और बेटे तीसरी कौन सी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। बेटे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज बताया गया कि पूरे वर्ष में हमने 12 महीने में पैसे कहां से लिए, कहां दिए, क्यों दिए, फाइनेंस से कितने आए, इन्वेस्टिंग से कितने आए, कितने एसेट्स बेचे, इससे होगा क्या जब मैं एक इंफॉर्मेशन दूंगा। तो बेटे जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, कौन यूज कर रहे हैं बेटे, आप बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन कौन है, क्योंकि मैं उन यूजर्स के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहा हूं। कौन है बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर, आप बताओ बेटे, आप बताओ बेटे। मैं तो कहता हूं सबसे पहले ओनर्स, ओनर्स होते हैं, और बेटे उसी ओनर्स में से कुछ लोग मैनेजमेंट में आ जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। आप बताइए रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा, किंगफिशर एयरलाइन का नाम सुना होगा, एसीसी सीमेंट का नाम सुना होगा। बेटे सभी कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कंपल्सरी है बेटे। कंपनीज एक्ट 2013 भी यही कह रहा है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी। तो बेटे मैं कहता हूं ओनर्स असली में मालिक होते हैं बेटे, मालिक होते हैं, फिर उसके बाद वो मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं, और बेटे मैनेजमेंट फिर इंप्लॉइज को अपॉइंट करता है बेटे, इंप्लॉइज को अपॉइंट करता है, और फिर इंप्लॉइज सप्लायर से सामान मंगवाते हैं और कस्टमर्स को सामान बेच देते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को दुद्धू बनाते हैं आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने कहा 7 लोग हैं, 7 पीपल्स हु आर द मेन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे 7 लोग हैं, 7 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, जो बेटे यूज कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। पहला, पहला कौन बेटे, मैं कहता हूं ओनर्स ने, ओनर्स ने पैसा लगाया। ओनर्स कौन थे बेटे, इक्विटी होल्डर्स, प्रमोटर्स। बेटे ओनर्स ने पैसा लगाया, मैनेजमेंट को बुलाया, मैनेजमेंट ने इंप्लॉइज को अपॉइंट किया और सप्लायर से सामान मंगवाया, बनाकर कस्टमर को बेचा, गवर्नमेंट को टैक्स दिया और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को बुद्धू बनाया। बेटे ये मैंने आपके लिए एक सेंटेंस प्रिपेयर किया है कि आप यूजर्स ऑफ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में याद करने में आसानी हो। एक बच्चा कहता सर दोबारा बता रहा, बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ ओनर्स मालिक होते हैं, उन्होंने पैसा लगाया, मैनेजमेंट के थ्रू इंप्लॉयज को अपॉइंट कराया, सप्लायर से सामान खरीदा, कस्टमर को बिकवाया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया और बेटे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को बुद्धू बनाया। बेटे सात लोग हैं हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं बात करता हूँ इक्विटी शोल्डर्स, आप बताएं इक्विटी शोल्डर्स सपोज करते हैं आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर हैं, मान के चलते हैं मुकेश अंबानी आप रिलायंस जियो, हाय राम, आपने रिलायंस जियो के कुछ शेयर्स खरीदे हुए और बेटे आज न्यूज़पेपर में आ गया कि आज शाम को सीएनबीसी चैनल में एनडी प्रॉफिट चैनल में जी बिजनेस के चैनल्स में बेटे नाम सुने इनके। बेटे अब आपको ना थोड़े सी बिजनेस चैनल्स देखने पड़ेंगे कि आज शाम को रिलायंस अपने रिजल्ट्स घोषित करने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर के। तो आप बताइए अगर आप शेयर होल्डर हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के तो आप क्या सारा काम छोड़कर जी न्यूज की वो न्यूज नहीं सुनेंगे, क्या आप नहीं देखना चाहेंगे, या क्या आप नहीं सोचेंगे कि भाई मैंने जिस कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैं शेयर होल्डर हूं तो रिलायंस ने इस वर्ष इस फाइनेंशियल ईयर इस वित्तीय वर्ष कितना प्रॉफिट कमाया और मेरे जो पैसे लगे हुए हैं जो मेरी कैपिटल लगी है मैं कौन मैं बेटे इक्विटी शोल्डर। तो बेटे इक्विटी शोल्डर ये जरूर सोचेगा कि उसके जो पैसे लगे उस पर रिटर्न कितना हुआ, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और बेटे बताइए आप अगर शेयर होल्डर होंगे तो क्या आप मैनेजमेंट के पॉइंट से, क्या आप इक्विटी शोल्डर्स के पॉइंट से आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे बेटे। जैसे एक छोटे से बच्चे की रिपोर्ट कार्ड के लिए उसके माता पिता कितने चिंतित रहते हैं कि बेटे रिपोर्ट कार्ड तो दिखा, क्योंकि उन माता पिता का उसमें भविष्य लगा होता है। बेटे इसी तरह से इक्विटी शेयर होल्डर्स का भविष्य लगा होता है बेटे अपने मेहनत के पैसे लगे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इसलिए वो अपनी रिटर्न को चेक करना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि इस बार रिलायंस उनको डिविडेंड देगी या नहीं। तो बेटे डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट होना जरूरी है, एसेट्स कितने बड़े, वो देखना चाहते हैं कि बेटे उनका जो एक शेयर जो उन्होंने खरीदा था आज उसकी वैल्यू क्या ऊपर आने की आशंका है या गिरने की आशंका है। तो बेटे सेंसेक्स में आप देखते हैं लाल रंग और हरा रंग, बेटे आप मुझे बताइए इक्विटी शोल्डर क्या एज अ इक्विटी शोल्डर क्या ओनर इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते। माना कि आप मुझे नहीं देख सकते, बेटे झुक के तो ना बैठो। तो मैंने कहा सात में से पहला व्यक्ति कौन, पहले ओनर्स। बेटे ओनर्स इंटरेस्टेड होंगे यूज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब बताइए जी दूसरी पार्टी मैंने आपके सामने रखी मैनेजमेंट। बेटे मैनेजमेंट में कौन, बेटे डायरेक्टर्स, बेटे होल टाइम डायरेक्टर, बेटे मैनेजर, बेटे एमडी, ये सारे लोग मैनेजमेंट में आएंगे। बेटे एक चीज बताओ पूरे 12 महीने डिसीजंस कौन ले रहा है, बेटे सारी डिसीजंस कौन ले रहा है, बेटे मैनेजमेंट। बेटे बाइंग की डिसीजन कौन ले रहा है, बेटे मैनेजमेंट। बेटे सेलिंग की कौन ले रहा है, बेटे मैनेजमेंट। बेटे फिक्स एसेट खरीदे या ना खरीदे, अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा ले, बेटे सारा सिस्टम इंटरनल कंट्रोल का कौन बना रहा है, मैनेजमेंट। तो बेटे आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट इतनी मेहनत करती है 12 महीने तक, मुकेश अंबानी अगर एमडी भी है और शेयर होल्डर भी है तो मैं अभी एमडी के पॉइंट से बात कर रहा हूं, क्या उसकी वाइफ नीता अंबानी इंटरेस्टेड नहीं होगी उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करने के लिए? सोचिए और बताइए। बिल्कुल होगी।
क्यों नहीं होगी बेटा, बेटा क्यों नहीं होगी? तो मैंने कहा दो लोग बोलिए, पहला कौन? ओनर्स इंटरेस्टेड होंगे, ओनर्स इंटरेस्टेड होंगे। दूसरा कौन? मैनेजमेंट भी यूज करने में इंटरेस्टेड होगी। अब मैं आता हूं इंप्लॉइज में, आप बताइए मेरे बेटे, इंप्लॉइज इंप्लॉइज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, बेटे इनको तो फिक्स सैलरी मिली नहीं है, फिर भी आप बताइए एक सेकंड के लिए आप रिलायंस इंडस्ट्री के इंप्लॉय बन जाओ। एक बच्चा कहता कैसे बने? मैंने कहा बेटे मन में सोचना ही तो है, सोचिए कि आप रिलायंस के यहां काम कर रहे हैं, आपको फिक्स तनख्वाह मिल रही है, फिर भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बेटे अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, वो कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो बेटे जब प्रॉफिटेबल होगी तो बेटे प्रॉफिट होगा तो बेटे कल बोनस भी देगी। तो बेटे बोनस तो फ्री में मिलता है, आप ये बताइए जब प्रॉफिट होगा तो बोनस देगी, और बोनस देगी तो इंप्लॉइज के घर में मिठाइयां आएंगी, कपड़े आएंगे, और उनको लगेगा कि हमारी नौकरी सिक्योर्ड है। किंगफिशर एयरलाइन जैसे नहीं, उनको लगेगा हमारी नौकरी सिक्योर्ड है, कोई टेंशन की बात नहीं है। किसको लगेगा? इंप्लॉइज को, इंप्लॉइज को। और बेटे फिर वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर उनको लगा कि हम लॉस मेकिंग कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो बेटे वो स्ट्राइक कर देंगे, जैसे किंगफिशर एयरलाइन में हुई। आप एक सेकंड के लिए देखिए कि उन्होंने स्ट्राइक कैसे कर दी बेटे, हद कर दी, हद कर दी। आपने एक बार देखिए बेटे, किंगफिशर एयरलाइन की एक मिनट के लिए रिपोर्ट देखिए, इंप्लॉइज व्हाई दे आर इंटरेस्टेड, out of the streets. Out of the streets. सुना आपने? Not paying salaries for the last 6 months. तो बेटे employees भी most interested होंगे financial statements को देखने के लिए, क्योंकि बेटे अगर अगर पैसे होंगे तो bonus. बेटे वेज बिल भी 60 करोड़ रुपीस का है, तो बताइए जो एयर होस्टेसेस अभी अभी आपने देखी, क्या ये इंटरेस्टेड नहीं होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के लिए? बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी बेटे, बिल्कुल होंगी। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैंने कहा पहला यूजर कौन? ओनर्स, बेटे बोलना है साथ साथ। दूसरा यूजर कौन? मैनेजमेंट, बेटे। तीसरा यूजर कौन? ओनर्स के बाद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बाद बेटा कौन? इंप्लॉइज। और बेटे फोर्थ यूजर कौन? बेटे इंप्लॉइज, बेटे इंप्लॉइज। सप्लायर से सामान मंगवाया, आप बताइए सप्लायर्स, सप्लायर्स जो सामान बेचते हैं रिलायंस को, वेदर सप्लायर्स विल बी इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रिलायंस? यस बेटे, वो उधार में माल बेच रहे हैं, सप्लायर्स उधार में माल बेच रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं विश्वास के साथ। बेटे वो किसी थकी हुई कंपनी के साथ थोड़ी बिजनेस करेंगे, क्या बात कर दी आपने। तो बेटे जो सप्लायर्स होंगे जो उधार में सामान दे रहे हैं कि रिलायंस आप काम करो हम तुम्हारे साथ हैं, रिलायंस तुम काम करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो बेटे वो जो सप्लायर्स हैं वो भी तो कहीं ना कहीं मन में डरते होंगे, अगर ये कंपनी रिलायंस लॉस मेकिंग हो गई तो बेटे इनका पैसा डूब गया। आप ये बताइए कस्टमर्स कैसे इंटरेस्टेड होंगे, कस्टमर्स को क्या लगता है व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सोचिए और बताइए, आप सोच नहीं रहे बेटे। मैंने चार लोग बता दिए, ओनर्स, मैनेजमेंट, इंप्लॉइज, सप्लायर्स, और पांचवा बताने जा रहा हूं बेटे कस्टमर्स। सोचिए कि आप कस्टमर हैं, रिलायंस जियो के कस्टमर हैं, लो आप रिलायंस जियो के कस्टमर हैं, आप किंगफिशर एयरलाइन के कस्टमर हैं,
आप बताइए, अगर आप किंगफिशर एयरलाइन के कस्टमर होंगे और आपने टिकट बुक कराई होगी और ज्यादातर आप किंगफिशर एयरलाइन में जाते हैं, तो बेटे आप क्या ये नहीं देखेंगे कि किंगफिशर एयरलाइन भविष्य में क्या रोल अपनाएगी, क्या इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बिल्कुल देखेंगे। और रिलायंस जियो में आप उसका प्रॉफिट, भले आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आप एज ए कस्टमर जरूर उसी कंपनी से लेना चाहेंगे जिससे आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहे। ऐसा थोड़ी है कि अगर वो कंपनी बंद होने वाली होगी तो आप उससे खरीदना ही बंद कर देंगे, क्योंकि तो आपको पता उसकी सर्विसेज मिलेगी नहीं। तो बेटे एज ए कस्टमर भी आप 101% उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होंगे। तो बेटे पांच लोग बताए, बेटे सिक्स्थ कौन है? बेटे गवर्नमेंट, बेटे अरुण जेटली जी, बेटे फाइनेंस मिनिस्ट्री, बेटे आपको बताइए आजकल जीएसटी का रोल बहुत बड़ा हो रहा है, जीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बेटे सारे टैक्स गवर्नमेंट लेती है। आप कभी खाना खाने गए हो रेस्टोरेंट में तो बेटे एंटरटेनमेंट टैक्स, बेटे सर्विस टैक्स, बेटे सर्विस, पता नहीं क्या क्या तरह के टैक्स लग रहे हैं। बेटे आप बताइए अरुण जेटली जी की मिनिस्ट्री क्या रिलायंस के प्रॉफिटेबिलिटी को देखने में इंटरेस्टेड होगी या नहीं? बिल्कुल होगी, क्योंकि तो बेटे वो कैलकुलेट करेंगे कि इन्होंने प्रॉफिट्स तो इतना दिखाया और रिटर्न कितने की भरी, इनकम टैक्स रिटर्न कितने की भरी, अगर प्रॉफिट इतना है तो रिटर्न कितने की है, इनकम टैक्स रिटर्न, तो बेटे वो रिकनसाइल करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे और वो निकालेंगे कि हमें कितना टैक्स मिलना चाहिए था। तो बेटे लास्ट में आप बताइए, मैंने लिखे थे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, मेरे बेटे क्या लगता है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है? आज आप सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, आप भविष्य की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम सीएस बनेंगे, सीएमए बनेंगे, फिर हमारी जॉब लगेगी, फिर हमें पैसे मिलेंगे, फिर गाड़ी आएगी और फिर हम मजे करेंगे। आप बताएंगे एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, भावुक इन्वेस्टर जिसने अभी इन्वेस्ट नहीं किया, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो अपनी मेहनत के पैसे कहीं लगाना चाहता है, तो बताइए एक भावुक इन्वेस्टर जो पैसे लगाना चाहता है वो प्रॉफिटेबल एंटिटी में पैसा लगाना पसंद करेगा या लॉस मेकिंग कंपनी में लगाना पसंद करेगा? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने बेटे। आप जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है ना, वो पिछले 2-3 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, उसका ट्रेंड निकालेगा, कंपैरेटिव एनालिसिस करेगा, उसके बाद देखेगा कि इस कंपनी में क्या ग्राफ बन रहा है। बेटे ये ग्राफ तो देखे होंगे आपने, बेटे उसकी ग्रोथ रेट देखेगा कि ग्रोथ कैसे जा रही है, तो बेटे उसके बाद ही तो वो मेहनत के पैसे लगाएगा। तो बेटे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने अभी तक तो क्या बताया बेटे, मैंने कंसेप्ट नंबर 1 और बेटे कंसेप्ट नंबर 2 की चर्चा की है। बेटे कंसेप्ट 1 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, और कंसेप्ट 2 कहता है बेटे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप अपनी बुक को निकाल लें, एक बार उस बुक से जरूर देखें मैंने जो बेटा लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करें, तो बेटे आपको मैंने कहा था हाईलाइटर जरूर खरीदो, बेटे 2 कलर के हाईलाइटर खरीदो स्पेशली ऑडिटिंग की किताब के लिए, एक ऑरेंज कलर का, एक येलो कलर का। बेटे मैं जहां जहां बोलूंगा, जो जो वर्ड्स बोलूंगा, आपने हाईलाइट करना है। यकीन मानिए जितनी कलरफुल बुक होगी ना आपकी, उतने ज्यादा नंबर आएंगे। बेटे हमारी आंखों को कलर से ज्यादा पहचान होती है, अच्छा लगता है। बेटे आप बताइए भीड़ में किसी ने पीला सूट और लाल दुपट्टा पहना है तो आप उसको देखेंगे या भीड़ में जिन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने उनको देखेंगे? ठीक पहचाना आप पीला सूट लाल दुपट्टे वाली मैडम कहीं देखेंगे। इसी तरह से बेटे आपकी बुक जितनी कलरफुल होगी उतना बढ़िया। तो आप क्या करें,
जो जो बातें मैं कहूं उसको मार्क जरूर करेंगे। जरा पहला क्वेश्चन में आए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है। एग्रीकल्चर मेन बिजनेस से मैंने कहानी शुरू की और धीरे 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 मॉडर्न इकोनॉमी में आ गया और अपने आप आपको नीड पता चल गई। आप देखिए उसमें क्या क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, डायरेक्टर रिपोर्ट। बेटे सारा कुछ एनुअल रिपोर्ट में। मैं तो कहूंगा आप moneycontrol.com सुनिएगा, सुनिए सुनिए गांव वालों, www.moneycontrol में जाएं और रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट देखें इस वर्ष की। आपको खुद पता चलेगा कि एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है और जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आइए जी नीचे क्वेश्चन नंबर टू, हु आर द यूजर्स, कंसेप्ट टू, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल, और डिफाइन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने बताया बेटे सात लोग हैं, बेटे कई बुक्स में आठ नौ भी हैं, कोई बात नहीं बेटे, मैंने सात बता दिए। बैंकर्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। बेटे मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको एक आइडिया देना कि रटे ना, लॉजिक समझे। लॉजिक जब समझ आ गया ना बेटे तो उस दिन लिख लेंगे, और रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो पढ़ लीजिए प्लीज ओनर्स, और जो मैंने सेंटेंस बोला है उसकी अभी पीपीटी बनाई भी देखेंगे। ओनर्स, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, और बेटे आगे लिख दिया गवर्नमेंट, इंप्लॉइज, एंड बेटे रिसर्च। जल्दी से याद कर ले बेटे, मैं सुनने वाला हूं। हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन हो रहे हैं? ओनर्स ने मैनेजमेंट को अपॉइंट किया, मैनेजमेंट ने इंप्लॉइज के थ्रू क्रेडिटर से सामान मंगवाया, कस्टमर को बेचा, गवर्नमेंट को टैक्स दिया और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को बुद्धू बनाया, बुद्धू बनाया। आराम से बेटे। तो अब मैं आ रहा हूं जी कंसेप्ट थ्री, व्हाट इज द मीनिंग और इवैल्यूएशन और फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। तो बेटे अभी कहानी खत्म नहीं हुई और 15-20 मिनट की बात है, फिर हम आगे चलेंगे। बेटे एक सेकंड मेरा बच्चा, एक सेकंड बेटे। बेटे इसको लेकर मैंने कुछ स्लाइड्स भी प्रिपेयर की, आप देखिए, आप देखिए बेटे। बेटे सतयुग में लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे, बेटे द्वापर में भी, त्रेता में भी, कलयुग में आजकल धंधा अलग हो गया। कमाने वाला कोई और है, ओनर कोई और है, पैसे लगाने वाला कोई और है, देख कोई और रहा है, टैक्स कहीं देना है। बेटे अलग अलग वैरायटी चीजें आ गई, फिर देखिए जी अलग अलग कंपनी आ गई, स्टॉक एक्सचेंज आ गई। तो एग्रीकल्चर जो पहले वाला जमाना था अब नहीं रहा। अब बेटे एमसी आ गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया, रजनीगंधा पान मसाला आ गया, जीएसटी आ गया, बांगड़ सीमेंट आ गया, गुरु आ गई, और बेटे रिपोर्ट कार्ड बनाना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और बेटे आपको मैंने कहा moneycontrol.com में जाएंगे और रिलायंस इंडस्ट्रीज की सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। बेटे बहुत अच्छी साइट है आप। फिर मैंने एक बात और बताई बेटे, क्या बताया बेटे, क्या बताया, क्या बताया, क्या बताया बेटे। अभी अभी मैं अभी ये मैं समझाऊंगा, लेकिन अब स्लाइड्स आगे तो एक बार देख लेते हैं। पुराने जमाने में मुनीम है, मिनीम नहीं है, स्पेलिंग गलत है। पुराने जमाने में मुनीम होते थे, वो बोल बोल कर बताते थे। अभी देखेंगे क्या मतलब मैं बोलने जा रहा हूं। उससे पहले मैंने कहा अभी एक व्यक्ति को उठाएंगे, होनहार, बुद्धिमान, बलवान, शक्तिमान, होनहार, बुद्धिमान, बलवान, शक्तिमान, होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान, शक्तिमान। आइए पहले मैं थोड़ा सा आपको अब ये बता दूं कि कंसेप्ट थ्री क्या कह रहा है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है। बेटे यकीन मानिए आपने 140 कॉन्सेप्ट्स लिखे और लगभग इतने ही क्वेश्चन हैं। ये देखिए 139 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो 133 क्वेश्चन हैं और लगभग कॉन्सेप्ट्स भी, अच्छा कॉन्सेप्ट्स 130 हैं। कहाँ गए बेटे, कहाँ गए बेटे, अच्छा कॉन्सेप्ट्स 133 हैं, क्वेश्चन 139 हैं और फ्लो चार्ट 130 है, तो लगभग 130 मानिए
30 नंबर में अगर आप ये 125-30 क्वेश्चंस करके चले गए और कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, यकीन मानिए आप पास है। तो कॉन्सेप्ट 3 मैं आपको बताने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट 3 में लिखा है मीनिंग इवोल्यूशन और फीचर्स ऑफ ऑडिट। अपने सामने बुक रखेंगे और बेटे कंसेप्ट नंबर 4 है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग और लास्ट कंसेप्ट जो हम इस क्लास में करेंगे, चलिए 4 तक करेंगे, अभी इसमें 4 तक करते हैं, छोटी छोटी क्लासेस लेंगे बेटे, आपको समझ आएगा, पता चलेगा कि कितने कंसेप्ट हमने कहां पे किए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको ये समझ आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है और आपको ये भी समझ आ गया इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं। बेटे पूरे वर्ष, पूरे 12 महीने में मेजर डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बेटे 12 महीने में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, बेटे ये 3 डिसीजंस हैं, किसने ली? मैनेजमेंट ने, बड़े पापा। सुनना जरा ध्यान से, मैं कंसेप्ट 3 और कंसेप्ट 4 की आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं बेटे, कंसेप्ट 3 और कंसेप्ट 4 मैं इसमें चर्चा शुरू कर चुका हूं। हम चर्चा करेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आपसे बातें करेंगे, फिर फ्लो चार्ट देखेंगे। मैं भूपेश आनंद, बेटा मैं सीए, बेटा मैं सीएस, बेटा मैं सीएमए, आपसे ये बात कह रहा हूं कि पूरे 12 महीने में डिसीजंस किसने ली? मैनेजमेंट ने। क्या परचेज करना है, किससे परचेज करना है, किसने पता लगाया? मैनेजमेंट ने। किसको बेचना है, कितने में बेचना है, किसने डिसाइड किया? मैनेजमेंट ने। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर कौन सा लेना है, किसने डिसाइड किया? मैनेजमेंट ने। इंप्लॉई कौन होने चाहिए, किसने डिसाइड किया? मैनेजमेंट ने। अकाउंट्स किसने बनाए? मैनेजमेंट ने। एक बच्चा क्यों नींद खुल गई, होगा था हर काम को मैनेजमेंट कर रही है। हाँ बेटे बिल्कुल ठीक कह रहे। फिर बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनवाई? मैनेजमेंट ने। अब बताइए, जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, यहां तक सब काम मैंने ही किया, यहां तक सारे काम मैंने ही किए, तो बेटे आप ये बताइए इसकी चेकिंग भी क्या मैं ही कर लूं? है जी, मैं ही कर लेता हूं चेकिंग भी। मैं खुद ही पेपर बनाता हूं, मैं खुद ही अपने नंबर देता हूं, खुद ही पास हो जाता हूं और खुद ही कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता हूं, खुद ही कर लेता हूं। भाई आप ये कह सकते हैं ना अपने इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट जी मैंने ना ज्योतिषी को दिखाया है, और ज्योतिषी कहते हैं कि आपकी 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 जो राशि है उसमें आप प्रोफेशनल जरूर बनोगे, और मैंने बहुत मेहनत की है, ये देखो सारे रजिस्टर भर दिए, सारे क्वेश्चंस कर दिए, इसलिए मैं खुद ही पेपर बनाऊंगा और खुद ही चेक करूंगा। इंस्टीट्यूट थप्पड़ मारेगा आपको, बेटे चेकिंग आप नहीं कर सकते। इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग भी आप नहीं कर सकते। बेटे कोई आएगा होनहार व्यक्ति, होनहार, बुद्धिमान होनहार, बेटे ऐसा व्यक्ति आएगा, शक्तिशाली व्यक्ति, जो जिसके पास कुछ रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस होंगी, कृष जैसे, फैंटम जैसे, चाचा चौधरी जैसे, जो या तो सीए होगा या सीएस होगा या सीएमए होगा और या भूपेश आनंद जैसे सब कुछ ही होगा। बेटे आप खुद चेक नहीं कर सकते अपने आप को, कोई बाहर वाले आएंगे और बेटे चेक करेंगे। मैं आपको यही कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए, उनकी रिलायबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए कि कहीं वो गलत तो नहीं है, कि वो सच्ची और अच्छी है या नहीं, बेटे उसमें ओपिनियन तो देनी पड़ेगी ना। तो बेटे उस ओपिनियन को देने के लिए हम एक प्रोसेस करेंगे और उस प्रोसेस का नाम है ऑडिटिंग।
और कौन करेगा बेटे होनहार, होनहार व्यक्ति उसका नाम है बेटे ऑडिटर। बेटे पुराने जमाने में जब राजा महाराजा होते थे तो अपने मंत्रियों से सुनते थे, सुनकर पूछते थे कि भैया ये बताओ इस राज्य से कर कितना आया, वहां फसल कितनी हुई, यहाँ पे कर कितना है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ। और जो मुनीम होते थे ना बेटे वो बोलते रहते थे राजा दी राज, महाराज शहंशाह अकबर हाजिर हो रहे हैं, मुनीम आता था। उसके बाद बही खाते होते थे वो बोलता था सुनाता था, और बेटे राजा को काफी सारी बातें समझ आ जाती थी। बेटे इसको प्रोसेस को बोलते हैं ऑडायर। ऑडायर, एक बच्चे को नींद खुल गई, उसने कहा ये क्या बोल रहा है मास्टर ऑडायर। मैंने कहा ऑडायर का मतलब है सुनना। और बेटे ये कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है ऑडायर। बेटे ऑडायर आज भी बेटे आप बताइए हमारे कोर्ट में जज लोगों से क्या करता है, सुनता है, एडवोकेट से सुनता है, जो 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 गवाही देने आते हैं उनसे सुनता है। बेटे सुन सुन के हमें काफी हद तक उसकी एक्यूरेसी पता चल जाती है। बेटे एक सीरियल आया था सत्यमेव जयते, उसमें क्या होता है जिसमें आमिर खान था बेटे, उसमें उसमें जो व्यक्ति झूठ बोलता है ना हमें पता चल जाता है बेटे, क्योंकि झूठ से आपके चेहरे में कुछ प्रतिबिंब आ जाएगा। बेटे पुलिस वाले क्या करते हैं, ओडायर का काम कर रहे हैं। बेटे सीबीआई वाले क्या करते हैं, ओडायर। बेटे डॉक्टर क्या करता है, ओडायर। तो बेटे यहां से कंसेप्ट शुरू हुआ ऑडिटिंग का। तो ऑडिटर भी क्या करेगा, 12 महीने तो जा ही नहीं पा रहा वो बेटा, तो क्या करेगा वो, जब जाएगा ऑडिट करने यहाँ के मैनेजमेंट से, यहाँ के इम्प्लॉइज से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के कस्टमर से, यहाँ के इंटरनल ऑडिटर से सुनेगा, बातचीत करेगा, वार्तालाप करेगा, और उसको सुनते सुनते भी, बात करते करते भी बहुत कुछ पता चलेगा। तो बेटे वहां पर कंसेप्ट आया ऑडिटिंग। और बेटे ऑडिटिंग होती क्या है, मैंने लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कहा ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बेटे हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं बेटे इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बेटे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं ऑफ एन एंटिटी irrespective of size and legal form, whether profitable or non-profitable, profit kamati ho ya na kamati ho, with the objective, ek bachche ki neend khul gayi, to give an ओपिनियन। क्या ओपिनियन, वेदर द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर। क्या अकाउंट्स ट्रू और फेयर है, क्या सच्चे हैं और अच्छे हैं, क्या सच्चे हैं और अच्छे हैं। तो बेटे ऑडिटिंग की डेफिनेशन सीए इंस्टीट्यूट, महान इंस्टीट्यूट ने दे दी। तो हमें ये डेफिनेशन याद रखनी है। इंडिपेंडेंट का मतलब है जो ना तो झुकेगा ना बिकेगा, ईमानदार व्यक्ति, वो बेटे इंडिपेंडेंट होता है। ये बात मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं। बेटे चेकिंग करेगा, एग्जाम करेगा। बेटे चेकिंग करते समय फ्रॉड और एरर निकालने का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ऑडिटर इज नॉट अ ब्लड हाउंड। बेटे ऑडिटर इज नॉट अ ब्लड हाउंड। आपने सुना कभी ब्लड हाउंड, इसलिए बेटे एग्जामिन करेगा। क्या मुझको, नहीं बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, किसको, प्रॉफिट एंड लॉस को, बैलेंस शीट को, कैश फ्लो को, अदर रिपोर्ट्स को, किसकी, एंटिटी की। एंटिटी क्या, पार्टनरशिप फॉर, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी, बैंक्स। बेटे साइज छोटा हो या मोटा हो, लीगल हो या ना हो। बेटे प्रोप्राइटरशिप की कोई लीगल एंटिटी नहीं है, कंपनी की लीगल एंटिटी है, एलएलपी की लीगल एंटिटी है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल एंटिटी,
और उसके बाद वेदर प्रॉफिटेबल और नॉट, बेटे बंगला साहिब गुरुद्वारा, बेटे अक्षरधाम मंदिर, बेटे सीए इंस्टीट्यूट, बेटे ये सब नॉन प्रॉफिटेबल है। तो चाहे वो प्रॉफिटेबल हो नॉन प्रॉफिटेबल हो, ऑडिट करेंगे। ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ दिस 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 विद ऑब्जेक्टिव ऑफ। आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, इतनी दूर बैठे हैं, आपका भी तो एक ऑब्जेक्टिव है कि आपका जब रिजल्ट आएगा 25 फरवरी या 25 अगस्त, बेटे उस दिन बस पास होना है आपने, अपने ख्वाब पूरे करने हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव है ना। इसी तरह से जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बेटे डॉक्टर आपकी चेकिंग करता है, तो डॉक्टर से आप कुछ ऑब्जेक्टिव में जाते हैं कि वो अपनी ओपिनियन बताए। बेटे गारंटी वारंटी कोई नहीं दे सकता, ओपिनियन देगा, ओपिनियन देगा, ओपिनियन देगा, ओपिनियन देगा कि आपको चिकनगुनिया है, डेंगू है, ये बीमारी है या नहीं, ये गारंटी नहीं देगा, ओपिनियन देगा। इसी तरह से ऑडिटिंग में भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बेटे, क्या क्या, वेदर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच्ची है और अच्छी है, सच्ची है और अच्छी है। बेटे ट्रू और फेयर व्यू को ऊपर हम बहुत डिस्कस करने वाले हैं, मैं अभी तो नहीं कर रहा क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव कुछ हो रहा है। तो आइए जी एक बार बुक खोल लीजिए प्लीज, बेटे बुक खोलिए। बुक में मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 3 के बारे में बताना शुरू कर दिया, एक बार देखिए प्लीज बेटे, बड़ी मेहनत हो रही है। बेटे ऑडिटिंग में क्या है कि रेस्ट नहीं मिलता मेरे को, सारे उस कंपनी कोर्स में क्या बेटे प्रैक्टिकल का थोड़ा रेस्ट मिलता, वो फॉलो करो, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, कोई बात नहीं बेटे आपका फायदा हो, मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा, राधा बोल राधा बोल राधा कुछ तो बोल। तो बेटे आप अब क्वेश्चन 3 में देखो, मैंने एक चित्र बनाया ऑडिट, बेटे लैटिन टर्म है, लैटिन टर्म है ऑडिटी, टू हियर, ये बात मैं बता चुका हूं। मॉडर्न कंसेप्ट बेटे, मेन कंसेप्ट, और बेटे फिर क्वेश्चन 4 देखिए, What is the meaning and features of auditing? तो मैंने कहा audit is an examination of financial information of an entity, whether profit making or not, irrespective of its size and legal structure, with the objective to give true and fair view. बेटे मैं जान के repeat कर रहा हूँ, भले आप मेरे साथ साथ नहीं बोल, आप मुझे सुन तो रहे हैं, आप मुझे देख तो रहे हैं ड्रामा करते हुए, आपके माइंड में यही चीजें चली जाएंगी और आपको याद हो जाएगा। और बेटे मैं लॉजिक्स बता रहा हूँ, रटवा नहीं रहा, लॉजिक्स बता रहा हूँ रटवा नहीं रहा। आप किसी की ऑडिटिंग की यूट्यूब की क्लास देख लीजिए, इतना बढ़िया समझ में आएगा बेटे जो मैं बता रहा हूँ, दावा इस बात का है, क्योंकि बेटे दिल से दिल तक आवाज आ रही है, दिल से दिल तक आ रही है मेरे बेटे। आइए तो बेटे फीचर्स आपको देखने, तो मैं आज यहीं पर अभी कंसेप्ट 4 की तरफ बढ़ूंगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, कि भाई ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मैंने कहा भाई ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव गलतियां निकालना बिल्कुल नहीं है, फ्रॉड निकालना नहीं है, एरर निकालना नहीं है, चेक करना है कि क्या ये रिकॉर्ड्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं। हाँ, वो चेक करते करते अगर कोई गलतियां पकड़ी गई तो फिर उनको बताना भी ऑब्जेक्टिव है। पढ़ दे, आइए बेटे पढ़ दे थोड़ा, ऑडिट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं, उसकी स्कोप के हिसाब से हो सकते हैं, और स्कोप डिटरमाइन कौन करता है, मैनेजमेंट। तो मैं लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर में पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, ऑडिट स्कोप डिटरमाइन द टाइम इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग एक्सरसाइज डेप्थ ऑफ ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड, ऑडिट स्कोप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑडिट। ऑडिट स्कोप का मतलब है कि आप कितनी गहराई में ऑडिट करेंगे, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऊपर ऊपर से देख लेता है, उसको समझ आ जाती है बेटे, लेकिन कई बार आप कहते हैं नहीं सर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो,
मेरी ईसीजी चेक करो, मेरा एक्सरे करो, मेरा ब्लड टेस्ट करो। तो बेटे ये स्कोप है कि आप कितनी स्कोप दे रहे हो ऑडिटर को। बेटे ऑडिटर तो 15 दिन के लिए आएगा, महीने के लिए भी आ सकता है। आप उसको काम असाइन कर रहे हो कि कितना काम उसको करना है। तो बेटे उसी से ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं। आप चित्र देखें, बड़ा ही प्यारा सा चित्र बनाया है। ऑडिटिंग ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, टू देखिए क्या लिखा है, ट्रू एंड फेयर व्यू। बेटे प्राइमरी है, प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव यही है, टू फाइंड आउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर और सेकेंडरी इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। डिटेक्शन का मतलब निकालना, प्रिवेंशन का मतलब आगे ना हो वो भी देखना, इंटरनल कंट्रोल देखना, इंटरनल ऑडिट की बातें करना, रिव्यू करना, ऑडिट प्लान करना, वो सब देखेंगे बेटे। तो आइए जी, उसी के नीचे यहाँ पे लाइन नहीं है, डिटेक्शन के नीचे आगे डिटेक्शन ऑफ एरर, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। पहले एरर, बेटे आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ एरर, कंपनसेटिंग एरर, दिस एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, अरिथमेटिक एरर, देखिए लिखा हुआ है बेटे, टेक्निकल एरर, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एरर ऑफ कमीशन, सब लिखा है बेटे। बड़ी मेहनत की है बेटे, आप यकीन मानिए ये फ्लो चार्ट बनाने बनाने में बड़ी मेहनत होगी, किसी बुक से कॉपी पेस्ट नहीं की बेटे। तो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑडिट करने का, प्राइम ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फेयर, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव, डिटेक्शन एंड, बोलो बोलो, डिटेक्शन एंड, बोलो बोलो, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन किसकी, एरर एंड फ्रॉड, एरर एंड फ्रॉड। एरर कितने प्रकार के होते हैं, मैंने चित्र में लिखा, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, फ्रॉड। बेटे फ्रॉड क्या होता है, बेटे फ्रॉड में आपने कुछ एरर जनरली देखा गया कि एरर गलती से हो जाते हैं, लेकिन बेटे फ्रॉड विद द इंटेंशन होते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। 10,000 आए थे, आपने 6,000 अपनी जेब में रख लिए और कहा कि सेल ही 4,000 की हुई है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। लंच बॉक्स लाते थे स्टील का और जब शाम को जाते थे उसी लंच बॉक्स में खाली होता था, उसी में कुछ गुड्स लेके भाग जाते थे, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, misappropriation of cash, misappropriation of accounts। तो बेटे ये सारी बातें incidental objective में आती हैं। तो बेटे आज के lecture में हमने 4 concept देखे हैं। पहला concept, why there is a need to prepare financial statements, who are the users of financial statements। तो बेटे तीसरा, what is the meaning of auditing and the nature of auditing and the definition given by CA Institute। Last बेटे, what is the objective and scope of auditing। मुझे उम्मीद है बेटे अगली क्लास में आने से पहले, मतलब इसी चैप्टर का जो लेक्चर 2 होगा उसको अटेंड करने से पहले आप जरूर इसको एक बार याद करके आएंगे, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं बेटे, मैं चाहता हूँ कि आप पास हो जाए। इसीलिए तो YouTube में लेक्चर्स सारे अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा चाहती है कि आप पास हो जाएं, आपके पेरेंट्स के सपने पूरे हो, आपके सपने पूरे हो। लेकिन बेटे उसके लिए मेहनत करनी है ना, तो मेहनत कैसे करेंगे, आप इन सभी को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पहले 5 मिनट इसको सुनेंगे। तो चैप्टर 1 का लेक्चर 1 यहीं पे आज बेटे कंप्लीट होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आप सबकी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने मेरी लेक्चर को सुना, YouTube में देखा या पेन ड्राइव परचेज की, बधाई है आप सबको। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे मिलते हैं लाइफ